योग था कि सुरियलिज्म का जन्म कहीं और न होकर फ्रांस में हुआ और माया के मर्म को पहली बार भारतीय आंखों ने भेदा था। 22 दिसंबर 1984 की डायरी में वर्षों बाद वो धुंध फिर प्रकट हुई। अधिकांश समय हम एक धुंध में रहते हैं जिसे वर्जीनिया वुल्फ या प्रूस्त जैसे लेखक भेद देते हैं। उसे भेद कर भीतर से जीवंत फड़कते फड़फड़ाते संवेदनों को लाते हैं जैसे वे जीवंत तितलियां हों। अपनी कलम की नोक उनमें भोंक कर कागज पर लाते हैं लेकिन इतनी सफाई से कि उनके पंखों को जरा भी चोट नहीं पहुंचती। वे वहां अपने रंगों के पूरे गौरव में आ बैठती हैं कागज पर वैसी ही जीवित जैसे जब वे हवा में और धुंध में उड़ रही थी। इसी क्रम में हार्वर्ड डायरी के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1992 के दिन यह टीप उद्धरण, जब किसी युवा लेखक ने फ्लॉपे से लिखने के बारे में सलाह मांगी तो उन्होंने कहा, तभी लिखना शुरू करो जब बाहरी दुनिया तुम्हें सिर्फ माया इल्यूजन के अतिरिक्त कुछ और न जान पड़े जिसका वर्णन तुम्हें करना है। इस उदाहरण के बाद आंद्रे झीर अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं कोई मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करता, मैं कोई रहस्यवादी मिस्टिक व्यक्ति भी नहीं हूं, नहीं मेरी बुद्धि पूरी तरह से कांट और प्लेटो से ही सहमत हो पाती है, बात कुछ और है। मुझे कभी ये चिंता नहीं सताती कि मैं बाह्य जगत में विश्वास करता हूं या नहीं, दरअसल वह चीज ही मेरे भीतर नहीं है जिसे हम यथार्थ की भावना कहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सब एक मायावी लीला में चल फिर रहे हैं और जिसे दूसरे लोग यथार्थ और बाह्य जगत कहते हैं उनका अस्तित्व तो उससे अधिक नहीं जितना मेरे उपन्यासों की दुनिया का अस्तित्व है। उदाहरण समाप्त। हार्वर्ड डायरी में ही 4 दिसंबर 1992 की तारीख में वाल्टर बेन्यामिन के हवाले से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। बेन्यामिन के गद्य की अद्भुत विशिष्टता, ये बाहरी दुनिया की एक चालू चलते चलते फिरते बिंब को अपने तर्क की रौ में भीतरी दुनिया के रूपक में परिणित कर देते हैं। ये बाहरी दुनिया की एक चालू चलते फिरते बिंब को अपने तर्क की रौ में भीतरी दुनिया के रूपक में परिणत कर देते हैं और इस प्रत्यावर्तन के कारण दोनों दुनियाओं का अन्योन्याश्रित अर्थ आलोकित हो उठता है। इसकी चमक में गद्य की सीमाएं कविता में इस तरह घुल मिल जाती हैं जैसे गोधूली की घड़ी में दो नदियों का संगम दिखाई देता है। पता नहीं चलता कौन सी नदी किस नदी में समाहित हो रही है। हार्वर्ड डायरी के आखिरी पन्ने पर तारीख अंकित है 16 अप्रैल 1993। धमनियों में गूंजती हुई एक सुदूर स्मृति की धुन, धुंधले प्रेम की अथाह लालसा, स्वप्न, उदासी, खोयापन और अंत में नोवालिस का ये उद्धरण, हम सत्य नहीं पा सकते, केवल अपने भ्रमों के आईने से उसकी उपस्थिति का आभास पा सकते हैं।
धुंध से उठती धुन का मेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि में धुंध से उठती धुन मेरी दृष्टि में इस पुस्तक का शिखर है, अंतिम खंड शिखर है, अंतिम खंड शीर्षक रास्ते पर, वर्ष 1985, चंद नमूने उसके। पहला, गर्मी की दोपहर सड़क के पार पेड़ों की हिलती फुंदियां, मकानों की छतें, एरियल पोल, मैं धूप के फैलाव में हूँ, दो आंखें देखती हुई। ये असाधारण अनुभव है जब चीज़ों के बीच की दीवार ढह जाती है और समूची सृष्टि दोपहर की धूप में खुलती जाती है, सबके सामने अपने को खोलती हुई एक अखंडित सर्वव्यापी प्रवाह धूप में फुनगियों पर हवा में धूप में फुनगियों पर हवा में योगी इसी तरह देखते होंगे। लेकिन इस तरह दुनिया को देखने के लिए पत्थर की तरह निसंग होना चाहिए, जैसे इस क्षण मैं हूँ, खाली, रिक्त, सोना, हल्का, समूची पीड़ा को धूप में बदलता हुआ, धूप की अंतहीन दोपहर में लू में धूल में हिलते हुए पेड़ों में सृष्टि को ऐसे क्षणों में देखना एक गोपनीय चमत्कार है, कुछ वैसे ही जैसे जंगल में किसी जानवर को माद में सोते हुए देखना। गद्य के नमूने के बाद निर्मल की गद्य का वह पहला नमूना है। गद्य के इस नमूने के बाद गद्य की आशंसन का एक नमूना, मरना श्वेता एवा का गद्य एक फड़फड़ाती सजीव पारदर्शी प्राणवत्ता, जहां वेदना अपना नीला जाल बुनती है, अपनी सहेली की मृत्यु पर उनका शोक एक ऐसी मर्मभेदी विलाप कथा है जिसका हर शब्द एक बीते हुए जमाने के लहू कीचड़ में सना बिलखता हुआ बाहर निकलता है। क्या इस गद्य की तुलना किसी और से हो सकती है? हम काव्यात्मक गद्य की बात करते हैं, किंतु मरना अकेली कवि थी जिन्होंने कविता के जोखम भरे हाशिए पर अपने गद्य को गढ़ा था, कुछ इस तरह उसका कायाकल्प किया था कि जिस सत्य को आज तक हम कविता में देखते आए थे वो अचानक इधर सुलगता हुआ दिखाई देता है। वो गद्य की सुरक्षित देह को घसीटते हुए कविता की अंधेरी खाई तक ले आती है, एक चमकती कांपती हुई शिला पर जो धुर रसातल एबिस के घेरे पर टिकी है, जरा सा एक कदम लेते ही वो नीचे अंधेरे में गिर सकती है, एक कदम पीछे जाते ही वो सीधी सपाट बन जाती है। किंतु मरीना श्वेताएवा इन दो एक असह्य और असाध्य उठान पर खड़ी रहती है, न अपना सधापन खोती है न नीचे फिसलती है। उनका गद्य नीचे खाई की अतल कविता को खींचकर ऊपर ले आता है, जैसे कुछ देर पहले उनकी कविता गद्य को खींचकर खाई तक ले आई थी। वहीं दोनों मिलते हैं, धुर ऊपर, जहां चोटी पर पहुंचते ही मेरा सिर चकराने लगता है और मैं हताश होकर किताब पर अपना सिर टिका देता हूँ। ऐसा गद्य जीवन की समग्र संचित पीड़ा, ईमानदारी और हमदर्दी, प्रेम, ऐसा प्रेम जो असहनीय और अकथनीय है, उन सबको समेटकर कलम की नोक पर ले आता है।
जिस पर हर शब्द छलनी होता हुआ टपाटप खून की तरह बहता है, जिसे मैं सुनता हूं किताब पर से टिकाए, और वो किताब से उठाता है, क्या कोई ऊपर आ रहा है? किसी ने घंटी बजाई है? कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है? तभी तो रोशनदान से उठकर कबूतर उड़ता है, क्योंकि वो तभी उड़ता है जब किसी की आहट सुनता है। कोई मित्र, कोई पत्र, हल्की सी फुसफुसाहट, दरवाजे पर झिझके से पैर, नहीं, वो पड़ोस का लड़का है जो इस छत पर अपनी गिरी हुई गेंद उठाने आया है। नहीं, कोई नहीं, आज कोई नहीं आएगा। और फिर वो अपनी डेस्क पर रखी किताब पढ़ने लगता है, वहीं से जहाँ से कबूतर की फड़फड़ाहट ने उसकी शाम को तोड़ा था। क्या किसी हिंदी कविता का पाठ का ऐसा अनुशंसन कहीं पढ़ा है? याद नहीं आता। प्रसंगवश एक जो हर शब्द छलनी होता हुआ टपाटप खून की तरह बहता है, ये पढ़ते हुए सहसा गालिब का वो शेर जबान पर आ रहा है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जबान से तो शब्द सबके जाते टपकते हैं और कलम की नोक से भी, लेकिन कुछ भाग्यशाली ऐसे भी होते हैं जिनकी आंख से शब्द टपकते हैं और हर शब्द एक खून की तरह, पानी की तरह नहीं लगता है। मित्रों, यह जैसा मैंने कहा कि कोलाज है, जहाँ निर्मल बोलते हैं और हम उसे सुनते हैं। ये पूरा निबंध निर्मल की भाषा के बारे में है, जो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।